दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर वाल का कटिंग हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बगल में भी मैंने कटिंग किया हूँ। 18 मॉडल यहाँ बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने एमसीबी बॉक्स मंगाया हूँ, ये हेवल्स कंपनी का है दोस्तों। और इसको पैकिंग खोलते हैं, टेप को इस तरीके से काटते हैं और इसमें देखते हैं। 8 वे का है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है इसीलिए छोटा सा सर्किट यहाँ पर बना है। तो 8 वे का, 8 वे का मैंने एमसीबी बॉक्स यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये अलग से एक पैकेट है दोस्तों, इसमें रखा हुआ है बॉक्स के अंदर। यह है दोस्तों कवर, है कवर प्लेट है सर ऊपर का एमसीबी बॉक्स का। ये देखिए इसमें रहता है, ये देखिए इस तरीके से इसका लुक है। तो फिलहाल क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं और इसको साइड करते हैं और निकालते हैं ये बॉक्स के अंदर से। ये एमसीबी बॉक्स देख सकते हैं 8 वे का है, इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल पैक है दोस्तों। तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर। इसके बाद देखिए ये इस पे दिया हुआ है दोस्तों, ये कार्टून है इसका बॉक्स है, इस पे पूरा हेवल्स का डिटेल दिया हुआ है इस बॉक्स का। आप इसमें पढ़ के देख सकते हैं 8 वे का है दोस्तों, एक पीस है इसमें। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी फिलहाल साइड करते हैं और इसको हम बॉक्स को रैपर से बाहर करते हैं इस तरीके से। पॉलीथीन के अंदर पैक है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा सा पैकिंग है। इसको चलिए इसको बाहर करते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा पैकिंग है दोस्तों। तो इसको पैकिंग से बाहर करते हैं इस तरीके से, देखिए। और आपको दिखाते हैं इस पे, देखिए एक मीनू गाइड रखा हुआ है, इसकी जानकारी देते हैं हमें कैसे इसको फिट करना है। अगर आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए इस पे लगा है सीमेंट गार्ड लगा हुआ है, इसको 4 स्क्रू है। इसको ओपन करके इसको बाहर करते हैं, खोलते हैं दोस्तों। ये कवर है, एमसीबी बॉक्स लगाने के बाद आप इसको पुनः इसमें टाइट कर दीजिएगा ताकि आपको मिस्त्री जो है मसाले वगैरह मारेगा इस पे, प्लास्टर करेगा तो बॉक्स में कचरा नहीं जाएगा, गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले ये 4 स्क्रू खोलते हैं, इसको बाहर करते हैं और फिर इसके अंदर देखते हैं। तो चलिए अपने स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से या टेस्टर से भी ये खुल जाता है। ये कवर है दोस्तों, ये बॉक्स को सुरक्षित रखेगा आपको। तो देखिए यह लिखा हुआ है इस पर। अब देखिए इसमें क्या निकला है दोस्तों, ये देखिए इसमें एक स्क्रू का पैकेट निकला है दोस्तों। जब ये फाइनल हो जाएगा तो कवर लगाने के लिए ये है, ये नंबरिंग स्टिकर है दोस्तों। अब रूम बाय रूम नंबर डालेंगे इसके लिए। ये 8 वे का है तो 8 नंबर तक है। यह है बसवार दोस्तों, जो एमसीबी को आपस में सीरीज करते हैं करंट देने के लिए, लाइन देने के लिए। तो इस तरीके से इसका लुक है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर से आप देख सकते हैं ये 4 ठो हॉल दिया हुआ है, तो तोड़ के आप 4 ठो हॉल निकाल सकते हैं, 4 ठो पाइप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा पाइप निकालना, 6 ठो पाइप जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 3 ठो स्क्रू इसमें दिया हुआ है, ऊपर से एक प्लेट लगा हुआ है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। इसमें ज़्यादा जगह मिल जाएंगे, ज़्यादा पाइप लग सकता है। तो 8 वे का दोस्तों 8 पाइप इसमें आसानी से लग जाएगा। 1/4 इंची का पाइप आप डालते हैं तो आसानी से 8 पाइप आ जाएगा दोस्तों। हमें 6 पाइप डालनी है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। देखिए 4 इधर 4 इधर आप आसानी से लगा सकते हैं, इतना सा स्पेस इसमें मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको भी बाहर कर लिए हैं। बाहर करके अब को दिखाते हैं इसका कवर प्लेट। तो चलिए इस बॉक्स को भी खोलते हैं, जो कवर प्लेट का बॉक्स अलग से इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए इसको मैंने खोला, खोलने के बाद देखिए इस तरीके से इसका भी पैकिंग है। देखिए दोस्तों बढ़िया अच्छा सा पैकिंग किया होता है, अच्छा क्वालिटी है दोस्तों इसका। कई सारा वीडियो आपको मिलेगा जो मैंने इसी कंपनी का ज़्यादातर लगाया हूँ और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक दिखता है दोस्तों। ये देखिए फ्रंट, जब आप फाइनल इसको कसेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। ये देखिए ग्रे कलर का है। इस तरीके से ओपन करेंगे दोस्तों, लॉक को पुश करेंगे तो ओपन होगा। ये देखिए डमी है दोस्तों, अगर आप 8 MCB का जगह है इसमें, अगर 7 MCB लगाते हैं एक, तो इसको कवर करने के लिए एक वो दिया होता है। तो इस तरीके से इसका लुक है देखिए दोस्तों। तो चलिए आप दिखाते हैं यहाँ पर कैसे इसको सेट करना है। तो सबसे पहले दीवार को मैंने पानी से गीला करवा लिया हूँ और वहाँ पर देखिए सीमेंट से जो है
पहले डाल दिया सीमेंट ताकि इसमें पकड़ बन जाए। और इस तरीके से देखिए सीधा हमें इसको टिका रहे हैं, कितना बढ़िया तरीका से देखिए दोस्तों इसको सेट कर रहे हैं। देखिए 4 इंची का ब्लेड आप लेते हैं तो 2 बार आपको चलानी पड़ेगी दोस्तों इस MCB को लगाने के लिए। तो इतना सा देखिए आप थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के साइड से है इसको से जाम करेंगे, बढ़िया से जाम कर देंगे। जाम करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जब ये सीमेंट जाम हो जाएंगे, पकड़ बन जाएंगे इसको, तब जो है इसमें पाइप को फिट करेंगे। तो पाइप जब फिट करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि पाइप हार्ड होता है, वो दब नहीं पाता है, तो हमारा बॉक्स बिल्कुल सीध में रहता है, बराबर में रहता है। इसके बाद क्लिप से आप पाइप को ठोक देंगे तो बिल्कुल बराबर रह जाएगा। तो दोस्तों मैं हूँ पप्पू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पप्पू इलेक्ट्रिकल टिप्स। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो देखने के लिए, हाउस वायरिंग की फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से बॉक्स को जाम हो गया है। जाम होने के बाद इसमें जब पाइप फिट करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल पकड़ बनी रहेगी। तो 2 दिन बाद लगाएंगे, लगाने के बाद देखिए इस तरीके से दिखता है, ये दूसरा बॉक्स है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आने वाले नए साल की आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।